सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, इस तरीके का एस्थेटिक स्टेटस आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम रील्स पे देख लो, ये सब स्टेटस आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सभी मटेरियल ईजिली मिल जाता है और जो भी एचडी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो लिंक का डिस्क्रिप्शन पर जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको अलर्ट मोशन ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ऑडियो पे जाना है और आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑडियो यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऑडियो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट पहले आपको 3 सेकंड्स पे चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 सेकंड्स पे आ जाना है। 3 सेकंड्स पर आ जाने के बाद आपको एक बीट मार्क दे देना है, उसके बाद 5.46 सेकंड्स पर चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक बीट मार्क है, 5.46 सेकंड्स पर आपको और एक बीट मार्क दे देना है, ठीक है। पे मैं दे देता हूँ, इस तरीके से और एक बीट मार्क दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, आपको वीडियो ऐड करना है, ठीक है। तो जो भी मटेरियल मैं यूज़ करूँगा और इफेक्ट में यूज़ करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। आप सिंपल से टेलीग्राम पे जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं होते तो ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे वीडियो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको वीडियो ऐड करना है, वीडियो का जो आपको ऑडियो म्यूट कर लेना है, इस तरीके से म्यूट कर लेना है। और आपको क्या करना है, 5.46 सेकंड्स पे आ जाना है और वीडियो का बाकी पार्ट को सिंपल से डिलीट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से डिलीट कर देना है। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, मैंने इसका ओपेसिटी आपको 60% कर लेना है, इस तरीके से 60% कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, 5.46 सेकंड्स पे आ जाना है और आपको फिर से वीडियो ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से वीडियो ऐड करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो का ऑडियो आपको म्यूट कर लेना है और वीडियो को आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, 60% कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से 60% कर लेना है और वीडियो का जितना पार्ट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, नहीं तो सिंपल से बाकी पार्ट भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बाकी पार्ट भी डिलीट कर देना। उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको वीडियो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से वीडियो ऐड करना है, इसको आपको एंडिंग पॉइंट पे चले जाना है, बाकी पार्ट को सिंपल से डिलीट कर देना है, ठीक है। सिंपल से बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में देना है, इसका ओपेसिटी आपको 60% कर लेना है, इस तरीके से 60% कर लेना है। बैक आना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो 5.46 सेकंड से वाला वीडियो एड किया था, इसको आपको सिंपल से 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, इस तरीके से आप स्प्लिट कर देना, क्योंकि इसी पार्ट में हम लोग इफेक्ट ऐड करेंगे और बाकी पार्ट में आपको सिंपल से क्या करना है, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 सेकंड्स पे आ जाना है, ठीक है। 3 सेकंड्स पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, आपको एक रेक्टेंगल इस तरीके से ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, कलर एंड फिल में जाना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, बैक आना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, इसका ओपेसिटी आपको इस तरह से कम कर लेना है, 50% कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, एरो पे क्लिक करना है, फिर से एरो पे क्लिक करना है, 5.46 सेकंड्स पे आ जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, ऐड इफेक्ट्स पे जाना है, नीचे आना है, ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी में जाना है और आप देख सकते हैं ब्लिंक को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 4 कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से 4 कर लेना है। उसके बाद एंडिंग पॉइंट पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, इसको आपको 12 कर लेना है, इस तरीके से आपको 12 फंड। उसके बाद बैक आना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लिंक इफेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ऐड करना है, कलर एंड फिल में जाना है, रेड कलर सेलेक्ट करना है और रेड कलर को पूरा डीप कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, तो आप देख सकते कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद रेक्टेंगल को पूरा एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जाना है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में रेक्टेंगल को इस तरीके से 40% कर लेना है, 40% कर लेना है, इस तरीके से। उसके बाद नीचे आना है, कलर पे जाना है और आपको यहाँ पे दिखे जा रहे हैं कलर पे सिलेक्ट कर देना है। तब एक देख सकते रेड टोन आ गया, जो एस्थेटिक वाइब आपको देगा, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 5.46 पे आ जाना है और आपको इस पार्ट में आपको यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, वीडियो के इस पार्ट को आपको यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो आपको मैं XML दे दूंगा टेलीग्राम पे, आपको सिंपल से XML को यहाँ पे इंपोर्ट करना है एलर्ट मोशन में और आपको यहाँ पे इफेक्ट कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
तो आपको सिंपल से क्या करना है, ऐसे बैक आना है, बैक आने का एक XML दिख सकता है, एक XML पर जाना है, यहाँ पे एक इमेज है, सिंपल से आपको इफेक्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, उसके बाद बैक आना है, फिर से प्रोजेक्ट पे चले जाना है। प्रोजेक्ट पे चले जाने के बाद आपको क्या करना है, 5.46 सेकंड्स पे आ जाना है, ठीक है। और आपने जो स्प्लिट किया था फर्स्ट पार्ट को, उसको सिंपल से ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, इस तरीके से पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। और बाकी कोई भी आपको पार्ट में ये इफेक्ट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो सॉन्ग का लिरिक्स है आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिरिक्स लिखने से क्या होता है, यहाँ पे बहुत लैग होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते बहुत सारा लैग होता है। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी एक ब्लैक स्किन मैंने इसी सॉन्ग का मैंने एक क्रिएट कर लिया था, स्टेटस क्रिएट कर लिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, तब देख सकते इस तरीके से ब्लैक स्किन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपोर्ट करके रखा है, ताकि जो यहाँ पे लैग ना हो, ठीक है। क्योंकि लैग होने से जो लिरिक्स का एंडिंग पॉइंट है वो समझ में नहीं आता कि इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया है और मैंने एक्सपोर्ट करके रख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको बैग आने, फिर से प्रोजेक्ट में चले जाने, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और आपको ब्लैक स्किन वाला वीडियो यहाँ पे ऐड करना है। ब्लैक स्किन को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, लाइटन में जाने के स्किन कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो पूरा टाइमिंग के साथ मैंने यहाँ पे पूरा एडजस्ट करके रख दिया, ठीक है। तो आपको सिंपल सिर्फ वीडियो ऐड करना है, और जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको एक पार्टिकल वीडियो जो है ट्रेंडिंग पार्टिकल वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और आपको ट्रेंडिंग पार्टिकल वीडियो ये वाला वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करना है। वीडियो को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, लाइटन में जाना है, स्किन कर लेना है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट पे जाना है, और वीडियो का बाकी पार्ट को आपको सिंपल से डिलीट कर देना है, इस तरह से आपको सिंपल से डिलीट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो मैंने ब्लैक स्किन दिया था इसका ऑडियो आपको म्यूट कर लेना है, ठीक है। ब्लैक स्किन जो मैंने लिरिक्स का वीडियो दिया था इसको आपको सिंपल से ऑडियो म्यूट कर लेना है, क्योंकि क्या है, आपने जो नीचे ऑलरेडी यहाँ पे सॉन्ग ऐड कर लिया तो अब दो दो सॉन्ग होने से ज़्यादा इको होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पे थोड़ा लैग होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा लैग हो रहा है। आप वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है और हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।